तो आज मार्केट के पास है कुछ ऐसे संकेत हैं जिससे आपको बेहतर नहीं लगेगा। शुक्रवार का दिन था, हम सोच रहे थे आज हैप्पी फ्राइडे होगा, लेकिन ये हैप्पी फ्राइडे नहीं बल्कि थोड़ा सैड फ्राइडे हो सकता है, क्योंकि अब बात सिर्फ भारतीय बाजारों की नहीं है जहाँ पे स्टिमुलस की बात है और जी बिजनेस से कुछ कड़े सवाल पूछे थे, बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी कुछ एक ऐसे संकेत, ऐसी डेवलपमेंट वापस हो रही है जिससे कि अनसर्टेनिटी और मुश्किल बढ़ती हुई दिख रही है। चार अहम चीजें हैं जिसकी वजह से आज बाजार आपको पूरी तरह से इनमें ही झूलता हुआ दिखेगा। पहला तो यूएस और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो तनाव बढ़ा है, ये अपने आप में तनाव इतना बढ़ गया है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ प्रतिबंध लगा दिया है उन कंपनीज, उन इंडिविजुअल, उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे जो कि नॉर्थ कोरिया के साथ कामकाज करती हैं। दूसरी बात, इकोनॉमिक को स्टिमुलस की बात है, कई ब्रोकिंग हाउसेस, कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये कह रहे हैं कि स्टिमुलस अच्छा है, कई कह रहे हैं कि नहीं अभी भी दिक्कत में हो सकती है, लेकिन सरकार ये मान रही है कि इस समय अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है, जो जी बिजनेस लगातार आपके सामने सवाल उठा भी रहा था कि बाजार और अर्थव्यवस्था मैच नहीं कर रहे हैं बॉस, इस पे आपको ध्यान देना होगा। वित्त मंत्री ने बात जानी, प्रधानमंत्री से बात हुई, हो सकता है स्टिमुलस इस साल के अंत में मिल जाए। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर होगा, दिक्कत टाटा सन्स के प्राइवेट लिमिटेड होने से नहीं बल्कि दिक्कत शापुंजी ग्रुप या फिर ये कहे सारस मिस्त्री को है, अब अपना 18% हिस्सा नहीं बेच पाएंगे। और SBI लाइफ का आज आखिरी दिन है, सुस्त है अब तक IPO का रिस्पांस और लग रहा है कि शायद ICICI प्रोडेंशियल की तर्ज पर SBI लाइफ आगे बढ़ रहा है कि लिस्टिंग गेन नहीं देगा, किसी तरह से सब्सक्रिप्शन को पूरा करेगा। डिम्पी सोच रहे थे कि ये वीकेंड अच्छा रहेगा प्रिपरेशन फॉर रामलीला पंडाल हॉपिंग, पर लगता है कि वीकेंड पे फिर से कोई इंटरनेशनल झटका आ सकता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने धमकी दी है कि वो पैसिफिक ओशन पे एक न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट करेंगे, और पैसिफिक ओशन क्रिटिकल इसलिए है क्योंकि वहाँ शिप्स होती हैं, फ्लाइट्स जाती हैं, क्या कुछ डिस्ट्रप्शन हो सकता है, तो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से कोई शांति नहीं मिल रही है और ये जो वॉर ऑफ वर्ड्स है ये एस्केलेट करते जा रहा है। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रॉकेट मैन इज ऑन अ सुसाइड मिशन, और अब किम जोंग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप डिरेंज्ड है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं एशियाई मार्केट में क्या हो रहा है। बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है पर मिले जुले संकेत हैं। कल हमने देखा डाउ जोन्स 9 दिनों के बाद रेड में क्लोज हुआ, हमने वीकनेस देखी, नैस्टैक में एक्चुअली काफ़ी वीकनेस थी और सिंगापुर निफ्टी में अभी 0.5% का कट दिख रहा है, तो लगता है कि शुरुआत में फिर से थोड़ी वीकनेस दिख सकती है। निकेय भी अभी 0.75% नीचे है, शंघाई कॉम्पोजिट 0.25% नीचे है। ये भी याद रखना है कि कल S&P ने चाइना की रेटिंग को एक नॉच कम कर दिया था, डाउनग्रेड कर दिया था, तो इसके भी कुछ हमारे पास है थोड़े से रिएक्शंस आ रहे हैं। हैंगसेंग भी अभी नियरली 1% लोअर है। सो एशिया मार्केट से तो हमें कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यूज बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं, कॉशन है काफ़ी। बिल्कुल, आज का जो पूरा ट्रेड जिसको कह सकते हैं ना कि थोड़ा लाल निशान में डैमेज की तरफ बढ़ रहा, उसकी वजह है डोनाल्ड ट्रंप का बयान। सुनिए पहले वो क्या कह रहे थे, उसके बाद इसकी भी एनालिसिस करेंगे। Announcing a new executive order I just signed that significantly expands our authorities to target individuals, companies, financial institutions that finance and facilitate trade with North Korea. As I outlined at my address to the United Nations General Assembly, North Korea's nuclear weapons and missile development is a grave threat to peace and security in our world, and it is unacceptable that others financially support this criminal rogue regime. आप ये बयान को इत्तेफाक भी समझ सकते हैं कि कल ही चाइना की रेटिंग को घटाया S&P ने, और आज जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे बैन की बात बोल रहे हैं, और आपको ध्यान होगा कि नॉर्थ कोरिया चाइना के बीच में अच्छे रिलेशन है, फाइनेंस को लेकर, टेक्नोलॉजीज को लेकर काफी सारी चीजें चाइना भी प्रोवाइड करता है, सारी बिजनेस कंपनीज के रिलेशंस हैं, और अगर एक अनरूली इकोनॉमिक कोलैप्स होता है नॉर्थ कोरिया में तो ये फिर मतलब और पागलपन को ड्राइव कर सकता है, तो चाइना लगता तो है साइन ऑफ ऑन दिस, माने हैं ये US के साथ खड़े हैं इस डिसीजन पर ये क्या ग्रेजुअल होगा, दैट विल ऑल बी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, खैर इसी चीज पे आगे फोकस रहेगा कि चाइनीज इकोनॉमी इस पे और कैसे रिएक्ट करती है, क्योंकि प्रतिबंध से सबसे ज्यादा अगर किसी को डैमेज या फिर फर्क पड़ेगा तो चाइना को है, जो कि नॉर्थ कोरिया की सपोर्ट में पहले खड़ा हुआ दिखता था। खैर आगे बढ़ते, एक बार आउटलुक देख लेते हैं आज का, क्योंकि सारे संकेत ऑलमोस्ट हमने ग्लोबल मार्केट्स के देखे, ट्रंप की बात भी सुनी है, और इस आउटलुक के बेसिस पर हमको ये समझ में आ रहा है कि शुरुआती गिरावट के बाद ट्रेड के लिए आप रुकें,
आज आप रुक जाइएगा ट्रेड के लिए अर्ली सीजन, अर्ली ट्रेड के अंदर ही एकदम से उतरना नहीं है कि शॉर्ट करना है, एकदम से उतरना नहीं बाय करना है, आधा एक घंटा दे दीजिएगा। आज कहीं नहीं जा रहा है बाजार, आज वैसे भी आप शुक्रवार के मूड में रहिएगा, कम ही ट्रेड करिए। 24,600 का अहम सपोर्ट है बैंक निफ्टी पर, 10,000 अगर किसी तरह से बचा लिया बाजार की तो बड़ी जीत हो जाएगी, 10,000 बचाना ही चाहिए बाजार को। और मेटल, फार्मा, ये कुछ एक ऐसे सेगमेंट होंगे जहाँ पे आपको ध्यान रखना है। त्योहारी सीजन का प्ले तो आपको मिल ही रहा है, यहाँ पर ध्यान रखें। SBI लाइफ का आज आखिरी दिन है, इसके सब्सक्रिप्शन के आंकड़ों से आज आप फाइनेंस वाले पूरे सेगमेंट पे एक बार ट्रेड कर सकते हैं, स्पेशली जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जैसे ICICI प्रोडेंशियल है, मैक्स भी है इसके अंदर। और शुरुआती गिरावट के अंदर आपको ट्रेड नहीं करना, बड़े सौदे आपको नहीं बनाने हैं, इसके अलावा आज कुछ ज़्यादा बोलने के लिए नहीं। आप लेवल्स को तो वैसे भी आप मत देखिए क्योंकि आज कैप अप के बाद सब कुछ डिस्टर्बिंग ही दिखेगा। किरण मेरे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। किरण, आपका व्यू क्या है? क्योंकि देखिए आज ना हमारी गलती नहीं है, आज फिर से ये कह सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट से जो संकेत मिल रहे हैं हमको परेशान कर रहे हैं, हमारी स्ट्रेटजी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो आज करना क्या सर हमको, आज ट्रेड ना ले इसी में भलाई है क्या? बिल्कुल, निफ्टी में पहले हाफ में तो बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना चाहिए, मार्केट को सेटल हो देना चाहिए। और ये देखना चाहिए कि कल के जो एवरेज लोस थे करीबन 10,080 के करीब, वो होल्ड करते हैं या नहीं, क्योंकि कल क्या हुआ था 10,080 से एक अच्छा यूटर्न मिला था। शायद ये शॉर्ट कवरिंग के चलते हुए वापस हमने ऊपरी स्तर टेस्ट करते नजर आए, पर ये आज बहुत क्रिटिकल लेवल्स रहेंगे। 10,080 एक ट्रेंड डिसाइडर लेवल रहेगा, इसके ऊपर अगर रहते तो सेकंड हाफ में वापस एक बार बाउंस बैक देखने को मिलेगा, और इसके नीचे अगर रहते तो फिर सेल ऑफ देखने को मिलेगा, जो कि हम वापस एक बार 10,000 की ओर चलते नजर आएंगे। तो 10,080 क्रिटिकल लेवल है और यही मान के चलना चाहिए। ठीक है किरण, कल कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिनमें काफी हमने एक्शन देखा डिस्पाइट व्हाट वाज हैपनिंग इन द मार्केट्स, नोटेबली फार्मा शेयर्स। कुछ फार्मा शेयर्स है जहां ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी अच्छा है, तो फार्मास्यूटिकल स्पेस में कौन से शेयर आपको अच्छे लग रहे हैं? देखिए, एक बहुत स्ट्रांग बाउंस बैक देखने को मिला और सारे के सारे फार्मा शेयर्स बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रहे हैं। करंट फार्मा की बात करें, अजंता, वोखार्ड, नाम लेते ही रहे तो लिस्ट बहुत बड़ी होगी, पर अगर डिलीवरी मार्किंग पोजिशन देखते हैं तो मुझे लुपिन काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। चार्ट पे लुपिन ने अच्छा खासा जो एक रेंज था उस पे एक ब्रेकआउट दे चुका है, और रेंज का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था करीबन 1010, तो 1010 के ऊपर क्लोजिंग मिलना अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, वो भी करीबन 1.5-2 महीने के रिकॉर्ड वॉल्यूम्स के साथ, और ओपन इंटरेस्ट एडिशंस काफी अच्छे बढ़ते नजर आ रहे हैं। कुल मिला के एक ट्रेंड रिवर्सल, छोटे चार्ट पे एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि हमें सजेस्ट कर रहा है कि करीबन 10,080-1,100 तक जाने की संभावना है। ऑप्शन चेंज जिसका देखते हैं तो 10,040-10,060-1,100 में अच्छा खासा जमाव देखने को मिल रहा है। ओवरऑल लुपिन में काफी अच्छे लॉन्ग पोजीशन बनने चाहिए। ठीक है, लुपिन एक होगा। हम आपको सिर्फ ये नहीं बता रहे कि बाजार गिरेगा तो गिरने के बाद क्या करना है, ये भी तो आपको जानना जरूरी है ना। इसलिए बाजार जब गिरे तो जो हम शेयर आपके सामने भी हमको मेहमान दे रहे हैं आज के, ये आप एक लिस्ट बनाते चलिए, नोट करते चलिएगा। लुपिन होगा आज का इस गिरावट में खरीदारी वाला शेयर, फार्मा के अंदर है, मोमेंटम है फार्मा के अंदर, तो लुपिन पे आप ध्यान रख सकते हैं। एक बार ना जरा FIs और DIs का आंकड़ा भी आप दिखाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार FIs की तरफ से सेलिंग है। कोई ऐसा नहीं कि DIs बाय नहीं कर रहे, DIs बाय कर रहे हैं, आपको लिक्विडिटी तो दे रहे हैं, कन्विक्शन नहीं दे रहे। कन्विक्शन सिर्फ जुड़ी हुई FIs के साथ, क्योंकि देखिए FIs का जो इंपॉर्टेंट रोल ये होता है मार्केट के अंदर कि जब वो बाय करते हैं ना तो उनका एक वो हॉट हो जाता है, वो एकदम से शेयर वो चलने लगता है, वो मार्केट एकदम से वो चलने लगता है। अब इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से बाजार अभी भी ट्रस्ट नहीं करता, वो एक लिक्विडिटी की तरह काम कर रहे हैं, SIP है, लेकिन आज भी मार्केट FIs की रोल को बड़ा इंपॉर्टेंट देखता है। पर ये भी तो देखना पड़ेगा डिम्पी कि अब एक रिस्क ऑफ सेंटिमेंट आ गया है फेड की मीटिंग के बाद, तो ये नेसेसरली तो नहीं कह सकते कि एक फैक्टर है इंडियन मार्केट्स का, ये ग्लोबल ट्रेंड है। ये ट्रेंड ग्लोबल है लेकिन इंडियन मार्केट की डिपेंडेंस अभी भी FIs पे काफी ज्यादा है, तो आप FIs को खैर निग्लेक्ट तो नहीं कर सकते। हाँ, इतना कह सकते हैं लिक्विडिटी आपको DIs दे देगा, लेकिन कन्विक्शन के लिए FIs का आना जरूरी है। FIs एक बेस की तरह भी काम करते हैं। अच्छा, एक और चीज है, एक बार जरा 10,000 की आप कॉल और एक बार 9,900 की पुट और दिखा दीजिए, उसके बाद में सिमी भौमिक पे जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि आज कैसे ट्रेड करना है हमको। 10,000 की पहले जरा कॉल दिखाइए, 10,000 की कॉल के अंदर बिकवाली। ये अनिशा, मैं इसलिए बात रख रहा हूं दर्शकों के सामने क्योंकि 10,000 वो लेवल है जिसको बचाना है, 10,000 वो लेवल है जिसके ऊपर आपका फेथ काम करता है कि बाजार कमजोर नहीं हुआ है, वहां की कॉल बिक रही है।
10,200 की कॉल में बिक रही है, तो 10,000 की कॉल का बिकना अच्छा साइन नहीं है, एक्सपायरी से पहले बिकना अच्छा साइन बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए रुक जाइएगा। 9900 की पुट, अगर ये टूट गया 10,000 या 10,000 के आसपास हम रुक जाते हैं तो क्या पुट के अंदर बाइंग हो रही है? नहीं, पुट के अंदर भी बिकवाली है, तो ये अच्छा साइन है कि बाजार के लिए 10,000 की कॉल बिक तो रही है, लेकिन ये वैसा इंडिकेशन नहीं दे रही कि बाजार एकदम से टूट जाएगा। सिमी मेरे साथ है इस बीच। सिमी, आपका मार्केट पे व्यू क्या है? आज हमने ये तो जान लिया ट्रेड हमको नहीं करना, आप मेरे को बैंक निफ्टी का बताइए जरा, बैंक निफ्टी में कैसे करना है आज काम? या गुड मॉर्निंग डिम्पी, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा वीकनेस ज़्यादा है, क्योंकि बैंक निफ्टी एक तो अंडर परफॉर्म कर रहा था, निफ्टी एक नया हाई बनाया है, बैंक निफ्टी ने नहीं बनाया है, और कल का क्लोजिंग के बाद निफ्टी का चार्ट में एक बाउंस बैक जैसा फॉर्मेशन है, लग रहा है कि निफ्टी एक अच्छा सा बाउंस बैक दिखा सकता है, पर बैंक निफ्टी का क्लोजिंग उतना अच्छा नहीं हुआ था, और उसके चलते लग रहा है कि कल का जो डे लो था वो लो वापस टेस्ट हो सकता है बैंक निफ्टी में, पर वो लो अगर होल्ड हो जाएगा, मतलब 24,700 का लो जो मैं कल जो बैंक निफ्टी कल बनाया था वो लो अगर होल्ड कर पाता है तो एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, जिसका टारगेट 25,000 से 25,100 का हो सकता है। फिलहाल निफ्टी से बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक लग रहा है, तो आज बैंक निफ्टी को सबसे ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग दिखाना पड़ेगा, एक अच्छा मतलब ट्रेन जो है डेली चार्ट में वो ट्रेन को पकड़ के रखने के लिए एक अच्छा सा रिवर्सल बैंक निफ्टी को ही दिखाना पड़ेगा, चार्ट थोड़ा सा वीक यहाँ पे हुआ है। ठीक है, मयूरेश जोशी एंजल ब्रोकिंग से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मयूरेश शुक्रिया आज समय देने के लिए। आज शुक्रवार का दिन था, मैं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं आए, बाजार हंसते खेलते और त्योहारी सीजन में अच्छा बंद हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और किम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, उन्होंने फिर से एक धमकी दिया, प्रतिबंध लगाया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ये कितना इम्पोर्टेंट है और मार्केट को आप कैसे चलता हो देखते हैं? मॉर्निंग डिम्पी, कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से आई थिंक जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं ये आई थिंक कुछ हफ्तों के लिए चल सकती हैं आई थिंक, और इसका अगर जो भी एक एक रिजल्ट है आई थिंक हफ्तों में ही आएगा। आई थिंक इट शुड सेटल डाउन इफ नथिंग गोज अवर्स, और मार्केट्स आई थिंक थोड़े आई थिंक नर्वस मूड में जरूर रहेंगे, इसलिए जो कंसोलिडेशन फेज मार्केट्स में चल रहा है वो बिल्कुल जारी रहेगा, बट आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम एक्शन रखें तो आई थिंक ये मार्केट में अभी भी निवेश के काफी मौके हैं। ठीक है, ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा आज।